अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ सेंटोरस मॉल में, मैं वहाँ जा रही हूँ। इरादा तो यही था कि सेंटोरस मॉल में मैं व्लॉग बनाऊँगी। वो सामने नज़र आ रहा है आपको सेंटोरस मॉल, उसकी तरफ जा रही हूँ। तो मेनली माइंड में था यही कि मैंने जाकर सेंटोरस मॉल के अंदर तमाम जो फ्लोर्स हैं उसकी और फूड कोर्ट की वीडियो बनानी है। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँची ना, तो वहाँ पर वीकेंड कोई फेस्टिवल लगा हुआ था, 2 डेज़ उसकी ड्यूरेशन थी, सैटरडे एंड संडे। तो मैं तो सैटरडे वाले दिन गई थी सेंटोरस। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि फिर सेंटोरस तो इधर ही है, उसको किसी और टाइम भी कवर किया जा सकता है। ये फेस्टिवल तो जस्ट 2 डेज़ का था, तो इसकी वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इस फेस्टिवल के बारे में आइडिया ही नहीं था, पता ही नहीं था। जैसे मुझे भी पता नहीं था, वहाँ जाके ही मैंने देखा कि सेंटोरस मॉल पे लेफ्ट साइड पे ना स्टॉल्स लगे हुए थे। तो सेंटोरस मॉल हम पहुँचे, और सेंटोरस मॉल पे मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ ओपन में कहीं पे कार को पार्क करती हूँ, बेसमेंट में लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वैसे भी आजकल मौसम अच्छा है, बाहर गाड़ी पार्क कर की जा सकती है, ज़्यादा ओवर हीट नहीं होती। तो जगह थोड़ी मुश्किल से ही मिलती है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपको यहाँ बाहर ओपन में इतने आराम से जगह नहीं मिलती है। और वैसे भी इस वीकेंड पे तो हद से ज़्यादा लोगों का रश था, इस वजह से तो मुझे डर था कि नहीं मिलेगी पार्किंग, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मिल गई। बस गाड़ी एक निकल आई और उसकी जगह हमने लगा दी। सेंटोरस मॉल में इस वीकेंड पे, ये लास्ट वीकेंड का व्लॉग है, तो इस पे बहुत ज़्यादा रश थी। और मज़े की बात यह कि रश की रीज़न क्या थी, रीज़न ये थी कि सबको लग रहा था कि शायद एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, अपकमिंग एग्ज़ाम्स की वजह से घर से कोई भी नहीं निकलेगा, रश नहीं होगी। हर बंदा यही सोच के बाहर निकला हुआ था, और आगे बहुत ज़बरदस्त रश हो गई थी। तो ये लेफ़्ट साइड पर ना स्टॉल्स लगे हुए थे, और बहुत प्यारे स्टॉल थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। तो ये पहला वाला जो स्टॉल था, इस पे ज़रा देखें, ये हर्ब्स वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स थे। इनके साथ वाला ये जो स्टॉल है ना, इसके ऊपर, इस पे मेनली हैंडीक्राफ्ट थी, दुपट्टे थे, ये हाथ की कढ़ाई वाले दुपट्टे थे। और ये वो दुपट्टे हैं जो कि कभी मिलते थे पहले ना, अब नहीं मिलते। ये इंडियन दुपट्टे थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। बस ये था कि मुझे लगता है शायद ये इनका रेंट ज़्यादा होगा स्टॉल्स का, इनकी चीज़ें जो थी वो ठीक ठाक एक्सपेंसिव थी। ये जो टेबल रनर है ना, भी कुछ 4-5 थाउजेंड का बता रहे थे। तो इस तरफ काफ़ी मिरर वर्क हुआ हुआ था सारा, जो सिंधी हैंडीक्राफ्ट्स हैं वही शॉप थी। ये दुपट्टा आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, धूप में तो ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, वो 4500 उसका मांग रहे थे। और ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था, इतना ज़्यादा प्यारा काम इसके ऊपर हुआ हुआ था, एम्ब्रॉयडरी का मिरर वर्क हुआ हुआ था। ये था 8500 का, और ये मुझे पसंद भी बहुत आया था, लेकिन ना लेने की इसकी बहुत बड़ी वजह थी, और वो ये थी कि इस पे ना मिरर्स चिपकाए हुए थे। अब इतना महंगा दुपट्टा हो तो इसके ऊपर एटलीस्ट हाथ से तो मिरर्स लगे होने चाहिए ना। जो स्टॉल है ना, ये वाले स्टॉल पर सारी शॉल्स लगी हुई थी, बहुत अच्छी शॉल्स थी, पश्मीना शॉल्स, कुछ पे बॉर्डर्स थे, कुछ पे एम्ब्रॉयडरी थी, कुछ सिंपल प्लेन, हर तरह के की शॉल्स थी, बहुत खूबसूरत। और ये देखें, डेकोरेशन पीसेस का स्टॉल था, एक से एक बढ़ के खूबसूरत डेकोरेशन पीस था, कुछ ज्वेलरी भी थी, और ये मेनली पर्ल्स हैं और बीड्स वगैरह की ज्वेलरी बनी हुई थी, बहुत प्यारी थी। तो चीज़ें तो सारी इनके पास खूबसूरत थी, ये इनके पास डेकोरेशन पीसेस थे, पेंटिंग ऊपर हुई थी। साथ वाले स्टॉल पे देखें, सारे एम्ब्रॉयडरी का स्टॉल था, एम्ब्रॉयडरी हुई थी, कश्मीरी कढ़ाई, ये जैकार्ड का सूट था, इसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई थी कोई, लेकिन इतनी नफासत और सफाई से नहीं हुई हुई थी, और ना ही कम्बिनेशन कोई इतना प्यारा
यूज़ किया हुआ था तार का, कि वो खूबसूरत लगता। ये साथ ज्वेलरी का स्टॉल था, ज्वेलरी इनके पास, इन बहन था, प्यारी ज्वेलरी थी इनके पास और एक से एक बढ़ के चीज़ें थी। तो ये साथ में बैंगल्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, सेट्स हैं, नेकलेसेस हैं और ये चीज़ें थी इनके पास। और साथ वाले स्टॉल पे ये सब बच्चों की चीज़ें थी, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, ज्योमेट्री बॉक्सेस थे इनके लिए, बच्चों के ही कमरे डेकोरेट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, वो सारी इनके पास अवेलेबल थी। और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बच्चों के ये पर्सेस वगैरह, ये देखें, ये इन्होंने जूट से काम किया हुआ है। ये जूट से ना गमलों के कवर थे, बॉटल्स के कवर थे। और साथ वाले स्टॉल पे ये हैंड एम्ब्रॉयडरी थे, उसके कपड़े थे, तारकशी का काम हुआ हुआ था। ये येलो कलर का सूट था, 4500 ये इसका मांग रही थी, ये पिंक वाले का भी और येलो वाले का भी। तो काम तो अच्छा हुआ था, लेकिन कपड़ा कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था, बड़ा एवरेज सा कपड़ा था और धोने से ना वो ख़राब हो जाता। ये ऑर्गेन्जा के ऊपर गोटा वर्क हुआ हुआ था और ये बहुत ज़्यादा प्यारा सूट था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। ये साथ देखें, ये वाला जो है ना, ये बीट वर्क में कुरान शरीफ का कवर था, सी ग्रीन कलर में, और उस साइड देखिएगा आपको मैरून कलर में भी नज़र आएगा, बहुत ही खूबसूरत कवर्स थे ये। और ऑन ग्राउंड ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इनके पास इस स्टॉल पे ना क्लचेस की भी बहुत प्यारी रेंज थी, सारा बीड वर्क हुआ हुआ था। ये देखें, इसमें ये ब्राउन बीड्स लगे हुए हैं और आगे इन्होंने ये दिखाया था ब्लू कलर का, ये भी सारा मोती लगे हुए थे उसके ऊपर बारीक वाले, ये वाइट मोती लगा हुआ है, ये 2500 ईच था। ये कितना प्यारा है देखें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक से एक बढ़ के खूबसूरत ये क्लचेस थे इनके पास। और ये देखें, ये मैरून कुरान पाक का कवर कितना प्यारा है। ये साथ वाले स्टॉल पे ज्वेलरी थी और लॉकेट्स थे, खूबसूरत पेंडेंट्स, याउल वाला पेंडेंट कितना प्यारा था, डिफरेंट सा था, पर्ल्स वाले पेंडेंट्स थे, एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस थे, ज्वेलरी थी, इयर रिंग्स थी, इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत प्यारी प्यारी थी। साथ वाले जो स्टॉल है इसके ऊपर ये बच्चों के ड्रेसेस थे, फ्रॉक्स थे बच्चियों के, ग्रीन और लाइट पिंक में था, ये पिंक है और ये पर्पल वाला था, साथ में ये पर्पल एंड पिंक में था, उसके ऊपर ग्रीन में था। ये जो है ना सारे हेड बैंड्स हैं बच्चियों के, ये फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगे थे। ये एक और स्टॉल था शॉल्स का, शॉल्स इसमें एम्ब्रॉयडर्ड भी पड़ी हुई थी और प्रिंट वाली भी थी, सिंपल भी थी। तो एक सिंपल सी शॉल थी, वो एक लेडी ले रही थी, तो उसकी प्राइस ये 8500 बता रहे थे। तो ये जो बाकी हैं इनके, फिर आप प्राइस का आइडिया खुद ही लगा लें। तो यहाँ पे ये ज्वेलरी थी, चौकर और ये जो झुमके टाइप है ना, ये पड़े हुए थे, क्लचेस भी थे। ये पेंटिंग्स का एक छोटा सा स्टॉल था, बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स थी, किसी ने शायद घर में बनाई हुई थी और उसका स्टॉल लगाया हुआ था। ये साथ वाला स्टॉल जो है ये हैंडीक्राफ्ट्स का था, पश्मीना शॉल्स थी और कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी में ना ये सारा काम हुआ हुआ था, कोट वगैरह बने हुए थे। सेल नंबर, वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है, कोशिश कीजिएगा सेल नंबर पर कॉल करके शॉप का पता करें, वहाँ जाके डिस्काउंट करवा के चीज़ें लें। ये कैंडल्स स्टॉल था, बहुत प्यारी खूबसूरत क्यूट कैंडल्स थी डिफरेंट शेप्स में। और फिर से साथ वाले जो स्टॉल था वो पश्मीना शॉल्स का था, विंटर सीज़न एंड हो रहा है इसलिए मोस्टली लोगों का जो इरादा है वो क्लियरेंस करने का है, इसलिए स्टॉल्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, गरम जो आइटम्स हैं उनके। तो साथ में फिर एक और स्टॉल जो है ना, वो भी पश्मीना शॉल्स का है, बहुत खूबसूरत इस पर कपड़े भी थे, एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी हुई हुई थी। और साथ वाला स्टॉल था शाफ हनी, ब्रांड का नाम है शाफ, और हनी डिफरेंट टाइप्स के थे, देखें लाइट कलर में, डार्क कलर में, हर तरह का हनी जो है यहाँ पे पड़ा हुआ था। साथ वाला स्टॉल जो है ये था सिरेमिक्स का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसमें बर्तन थे, ये टी पॉट्स, कप्स थे, मग्स थे और प्लेट्स, ट्रेज वगैरह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, डिफरेंट कलर्स में इसके ऊपर पेंटिंग हुई हुई थी। और ये जो एक छोटा सा भी इन्होंने उठाया ना टी पॉट, तो ये टी पॉट और चंद छोटे कप्स जो थे ये 3500 इसके मांग रहे थे।
ये आगे आ गया टॉयज़ का स्टॉल। टॉयज़ के स्टॉल पे बच्चों के योयोस थे, लर्निंग टॉयज थे, डॉल्स थी, स्टफ टॉयज थे, और रूबिक्स क्यूब्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस, कार्स, बॉल्स, बहुत कुछ था इनके पास। और ठीक थे, प्राइसेस इनकी सही थी। और ये जो है, ये सूटकेसेस का स्टॉल था। सूटकेसेस मोस्टली सारे हार्ड केसिंग में थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और ये वुडन जो है आइटम्स थे, और वुडन आइटम्स भी बहुत प्यारे थे, बहुत सफाई नफासत से बने हुए थे। इस साइड पे देखें तो ये टेबल्स पड़े हुए थे राउंड, और ये दो टेबल्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तकरीबन हर बंदा ही इसका पूछ रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारे थे। और इनके पास ये ट्रेज वगैरह थी। साथ वाले स्टॉल पे एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस थे और कुछ प्रिंटेड थे। और ये शॉल्स अभी निकाल के इन्होंने मुझे दिखाई थी, ये प्रिंटेड थी लेकिन बहुत अच्छी थी। तो ये साथ में ज्वेलरी का स्टॉल था। ज्वेलरी के स्टॉल में चीज़ें बहुत प्यारी थीं, क्लचेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, सेट्स प्यारे थे। ये सारे सेट्स लगे हुए हैं, सेट्स खूबसूरत थे इनके पास, थोड़े से एक्सपेंसिव थे भी। ये जो मुझे ये वाला दिखा रही है ना, ये 5500 इसका बता रही थी, ये एक्सपेंसिव थे। ये वाला भी सेम प्राइस में था, तो खूबसूरत तो थे डेफिनेटली, लेकिन मेरे हिसाब से शायद 5500 टू मच था इसके लिए। सिमिलरली ये रिंग्स वगैरह, जो इयर रिंग्स हैं, इनके भी रेट्स ऐसे ही थे। तो जब रेट्स इतने ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर बेस्ट होता है कि डिस्काउंट ले लिया करें आप लोग। और ये देखें, ये वाला सेट है ना, ये कह रही थी लास्ट पीस है इनके पास, इंडियन सेट था ये, 8500 इसका मांग रही थी, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा था। तो एंड में आ गई ये टॉय शॉप। इनके पास स्टेशनरी के आइटम्स थे, गिफ्ट स्टोर था ये, बुक्स थी इनके पास। इस शॉप पे बच्चों के टॉयज़ जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारे थे, चाहे वो हार्ड टॉयज़ हों या सॉफ्ट टॉयज़ हों, टॉयज़ प्यारे थे। ये सारे जो थे ना, फ्लावर्स इतने खूबसूरत थे, गिफ्ट्स के वो डेकोरेट करने के लिए थे। पेंसिल केसेस हैं ये सब, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये दो टेबल्स थे जिसके ऊपर तमाम बुक्स जो थी वो 100 ईच थी। इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड वाले टेबल्स हैं, इसमें डिफरेंट प्राइसेस की बुक्स थी। सामने एक रेंज नज़र आ रही होगी आपको, स्टफ टॉयज़ की, बैग्स की, बहुत खूबसूरत बैग्स थे। मुझे तो ये शॉप जो है ना, वो इन तमाम स्टॉल्स में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग लगी ना, वो ये वाली शॉप लगी। अब तो ये तो था, आज मैंने आपको विजिट करवा दिया इस फेस्टिवल का, जो 2 डे फेस्टिवल लगा हुआ था वीकेंड पे। तो मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन अंदर का जो विज़िट है ना, वो फिर मैं किसी और व्लॉग में आपको कराऊंगी। तो व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।